शौर्य, बहुत वक्त बीत चुका है और अब तक बालवीर विवान को लेकर नहीं लौटा। कहीं कुछ बालवीर, बालवीर तुम आ गए, तुम कामयाब हो गए विवान को यहां लाने में। हाँ माँ, आप सबके आशीर्वाद से दोनों माओं के बच्चों को बचा लिया मैंने। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, हम सबको बहुत गर्व है तुम पर। चलिए बालपरी, अब हमें विवान को लेके वीरसान के लिए चलना चाहिए। शौर्य, तब तक आपको पृथ्वी का सुरक्षा कवच हटाकर वीरलोक पर वापस लगा देना चाहिए। हो सकता है तिमनासा यहाँ वापस हमला करे। चिंता मत करो बालवीर, वीरलोक पर सुरक्षा कवच वापस लगा दिया है मैंने। तिमनासा वीर स्नान में कोई बाधा नहीं डाल पाएगी। चलो। 1, 2, 3, 4 विवान तो छुप रहा है ना? हाँ दीदी, छुप रहा हूँ। अगर इस देश का राष्ट्रीय खेल छुपन छुपा ही होता तो लाता मैं गोल्ड मेडल। पहली बार जीतने की खुशी में मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा है। हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, पर याददाश्त थोड़ी कमजोर है। बार बार भूल जाता हूँ कि मेरे ऊपर तो सुरक्षा कवच है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। डूबा डूबा, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? विवान, जल्दी से अपने जादू की छड़ी चला, वरना विवान की मम्मी मुझ पर अपनी छड़ी घुमा देगी। क्या हुआ बेटी? विवान, विवान क्या हुआ, तू चीखा क्यों बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वो बस चिपकली दिख गई थी। मुझे लगी है क्या कहीं? हाँ नहीं, एक मिनट। बेटा क्या कर रही हो? पापा जी भगा रही हूँ बुरी बला को, इसकी नजर उतार के। बेटा कुछ नहीं हुआ है विवान को, विवान बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे प्यार में इतनी शक्ति है कि किसी बुरी नजर की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तेरी ममता की शक्ति से टक्कर ले सके, समझी? ऐसा क्यों लग रहा है कि विवान मुझसे दूर जाने वाला है? मेरे बिना ही विवान का वीर स्नान कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मस्ती परी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपके बिना वीर स्नान कैसे हो सकता है? बालवीर ये लो वीर वृक्ष की माला, इसे विवान को पहना दो। We'll be right back.
परियों, तैयार है ना आप सब? अब विवान के परितारा अभिषेक का समय आ चुका है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। बालवीर के शरीर से होकर विवान के शरीर में क्यों जा रही है? वो इसलिए क्योंकि ताकि बालवीर की सारी शक्तियों का वरदान उत्तराधिकारी को भी मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? दिल से बुलाया, बालवीर आया।
रानी, एक बालवीर की मोमबत्ती बुझी नहीं, ये तो दूसरे बालवीर की भी जल गई। नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो हो गया, सत्यानाश हो गया। अरे तेरी नन्ही उंगली की कसम जब डाली, मैं बालवीर को कालवीर बना दूंगी, पूरे ब्रह्मांड पे राज करूंगी। पूरा ब्रह्मांड पेट पकड़ के हंस रहा है अब। कालोक के भैरानी तिमनासा कभी विफल हुई है क्या? ये रहा कालवीर। कालवीर, मैं डर गया। कालवीर, मैं डर गया। अरे जाओ, तिमनासा के कहने पे दो चार ग्रह ध्वस्त करके आओ ना। बस गलती से कालोक को ही ध्वस्त मत कर देना कालवीर। अरे रे, एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को पकड़ना था, वो भी नहीं पकड़ पाई ये कालोक की भैरानी। से देंगे जवाब उसे, वो तो घर में घुस के भैरानी को हैरानी दे गया ना। मात खाई है मैंने, हारी नहीं हूं मैं, कभी हारना नहीं सीखा तिमनासा ने, बदला लेकर रहूंगी मैं। इस अपमान की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बालवीर। अरे विवान को क्या हुआ? किकि, विवान को कुछ नहीं हुआ है, विवान को हमने निद्रा में डाल दिया है ताकि जब वो धरती लोक जाकर जागेगा तो उसे वीर लोक की कोई भी बात याद नहीं रहेगी। मगर ऐसा क्यों बाल परी? इस क्यों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा मस्ती परी। अभी हमें विवान को पृथ्वीलोक पर ले जाना होगा। बालवीर, ये क्या कर रहे हो? विवान के चारों ओर हमने एक सुरक्षा कवच लगाया है जिससे काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति उसे पृथ्वी लोक पर छू भी नहीं पाएगी। दिवाली की तैयारी करनी है, घर की सफाई करनी है, लाइट्स लगानी है, कितना काम है, जल्दी से दूध पी और पोहा खाकर हमारी मदद कर। खुशी, इधर आ, ये पकड़।
मुझे कभी आज तक वीरलोक का दूध पसंद नहीं आया, तो ये पृथ्वी का पानी मिला दूध कैसे पी सकता हूँ मैं? नन्हे कुए, तुम ही अपनी सेहत बना लो। हाँ डुबा डुबा, सब कुछ पहले की तरह सही हो गया और तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरा दिल तो खुशी के मारे धबड़ धबड़ हो रहा है। शुक्रिया शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। करुणा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने विवान को इतने दिनों तक आपसे दूर रखा, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, एक दिन सबके सामने मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं सबको बताऊंगा खुलकर, मैंने जो भी किया सबके भले के लिए किया। खुशी अब दिवाली अपने असली भाई के साथ मनाएगी। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे सर की मालिश की, गाजर का हलवा खिलाया, मोतीचूर के लड्डू खिलाए। थैंक यू, थैंक यू खुशी, आपने मुझे बहन का प्यार दिया। थैंक यू दादाजी, थैंक यू, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सब मुझे बहुत याद आएंगे। अलविदा खुशी, अलविदा करुणा जी, दादा जी अलविदा। मम्मी आपको मालूम है ना मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्यों दिया है? बोलो नहीं, चुपचाप खाओ। कल ही तो तू कह रहा था कि तुझे रोज नाश्ते में पोहा चाहिए, अब क्या हुआ? मम्मी, इस घर में परेशान करने का रोल मेरा है, आपका नहीं। और दूध कहाँ है? अरे यही तो था, पी गया होगा ना तू? नहीं मैंने नहीं पिया। मम्मी, जान पूछ कर इसने दूध डिब्बे में डाला और अब नाटक कर रहा है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। बस इतना समझ आ रहा कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे अब विवान को बताना पड़ेगा कि वही है मेरा उत्तराधिकारी, अगला बालवीर।